सिर्फ दरभंगा में आया था यहाँ के पदाधिकारियों को धन्यवाद देने के लिए। आप जानते हैं कितना संवेदनशील डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन यहाँ जितने भी त्योहार हुए अभी तक, होली, मुहर्रम, दशहरा, दीपावली, चुनाव, अभी मुहर्रम जो बीता, तो इतने बढ़िया से मुहर्रम सम्पन्न हुआ, इसके लिए मैं सारे पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ाने और इनको धन्यवाद देने आया था और दशहरा की तैयारी देखने आया था, क्योंकि अब दशहरा की शुरुआत हो रही है। और मैं रूटीन अपराध की समीक्षा भी की, अपराधियों को दौड़ाना है और सुशासन को हर हालत में बरकरार रखना है, और मैंने शराबबंदी के बारे में अधिकारियों से बात की, और मुझे पूरा विश्वास है, ये अधिकारी भी यहाँ पर हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ इस दौरे के एक सप्ताह के बाद आपको पुलिसिंग में काफी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। तीसरी बात मैं कहना यह चाहता हूं कि बच्चा चोर के नाम पर बहुत अफवाहें फैल रही पूरे बिहार में और बिहार के बाहर भी, लेकिन मैं बिहार के लिए चिंतित हूं। ये पूरी तरह से अफवाह है, सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर रहा है, जो अफवाह फैलाने वाले हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, और बच्चा चोर कह करके अगर किसी पर कोई हमला करता है, पिटाई करता है, तो ऐसे सारे लोगों के खिलाफ, और किसी की मृत्यु होती है तो हत्या का मुकदमा भी होगा, तो ऐसे सारे लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों के नाम प्रविष्टि गुंडा पंजी में भी कर जाएगी। कहीं कोई बच्चा चोर की बात नहीं है, ये पूरी तरह से साजिश के तहत गुंडे लोग इस तरह के अफवाह फैला रहे हैं और जनता अज्ञानता में आकर के और किसी अपरिचित आदमी पकड़कर पीटने लगती है। आप मीडिया के हमारे साथी हैं, आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं, एक एक गांव में आप ये बात फैलाइए, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, मुखिया है, सरपंच हैं, वार्ड के मेंबर हैं, वार्ड पार्षद हैं, विधायक जी हैं, सब जनप्रतिनिधि छोटे से लेकर बड़े तक अपने अपने लोगों के बीच में जागरण पैदा करें कि ये अफवाह बहुत लोगों की जान ले लेगी, ये अफवाह से बचना है और किसी के बहकावे में आकर कोई काम नहीं करना है। दरभंगा के लोगों को, मिथिला की धरती को मैं प्रणाम करने आया था, मैंने प्रणाम किया, अपने अधिकारियों से अपराध नियंत्रण के बारे में बात की, विधि व्यवस्था संधारण के बारे में बात की, दशहरा अच्छे से शांति से बीते उसके लिए बात की, बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे इसके लिए जो भी करना है हम लोग करेंगे। ट्रैफिक रूल के बाद जो है काफी जगह जो पुलिस वाले के साथ उसमें तो आप देखिए, एक मेरी पूरी पहली समझ है, किसी भी नियम के अनुपालन कराने के लिए, जैसे ट्रैफिक का भी नया चला हुआ है, किसी भी पुलिस कर्मी को या पुलिस पदाधिकारी को किसी भी जनता से दुर्व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। इस ट्रैफिक एक्ट में पुलिस को किसी को गाली देने का अधिकार नहीं दिया गया है, किसी पब्लिक को अपमानित करने का अधिकार नहीं दिया गया है, किसी पब्लिक के साथ किसी प्रकार की बदसलूकी करने का अधिकार नहीं दिया गया है। नियम का पालन पुलिस खुद भी करे, क्यों पुलिस नहीं करती? लेकिन इसमें जो कुछ किसी तरह की अफवाहें उठती हैं या कहीं बहुत लोग ऐसा है, 2-3 साल पुराना वीडियो को और व्हाट्सएप पर डाल देते हैं, पुलिस ऐसे कर रही है, पुलिस बिना हेलमेट के जा रही है, फोटो डाला 3 साल पहले का, तो वो भी बात है। तो मैं पुलिस कर्मियों को सख्त हिदायत देता हूं, किसी भी जनता के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, किसी भी स्थिति में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसी शिकायत मिलेगी कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जनता से अनुरोध करूंगा, कानून आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी हिफाजत के लिए है, कानून का आप पालन करेंगे तो आपकी जिंदगी भी पुलिस ट्रैफिक रूल।